इन्होंने और अच्छी से, मैं अगले एपिसोड तक के टाइम दे रहा हूं उनको। 1980 में मोहम्मद अय्यूब कासिम अली और डॉक्टर रमेश कुमार वीरचंद शाह, इन दोनों में एक व्यवहार हुआ, सौदा पोती हुई, जिसमें वीरचंद शाह ने मोहम्मद अय्यूब कासिम अली को सर्वे नंबर 214/1/2 प्लॉट नंबर 53 अली अकबर हॉस्पिटल के पीछे और गांधी मार्केट से लगकर ये प्लॉट 1980 में दोनों ने आपस में सौदा हुआ। डॉक्टर रमेश कुमार वीरचंद शाह ने उनको लिख के दिया। कुछ अरसे के बाद इनमें डिस्प्यूट, कुछ भी मामला पैदा हुआ, डिस्प्यूट पैदा होने की वजह से ये मामला कोर्ट में चले गया। लोअर कोर्ट के अंदर ये मामला जब गया, डॉक्टर रमेश कुमार वीरचंद शाह और मोहम्मद अय्यूब कासिम अली के बीच में, तो यहाँ पर प्लाट का जो फैसला हुआ वो मोहम्मद अय्यूब कासिम अली के हक में हुआ। तो फिर रमेश कुमार जो है वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर भी फैसला जो है मोहम्मद अय्यूब कासिम अली के हक में हुआ। उसके बाद 1995 में वो फैसला आया। उसके बाद रमेश कुमार वीरचंद शाह जो है वो हाईकोर्ट चले जाते हैं 1995 में, जिसकी अपील नंबर है 590/95। ये हाईकोर्ट में सेकंड अपील है, उसका नंबर है। मैंने आप लोगों को इसका स्टेटस भी बताया। आज के स्टेटस के अंदर उसमें ये उसका आज का स्टेटस है हाईकोर्ट का, केस अभी भी चालू है उसमें, जो कि रमेश कुमार वीरचंद शाह और शरद कुमार वीरचंद शाह, सिद्धार्थ कुमार रमेश कुमार शाह, ऐसे रमेश कुमार वीरचंद शाह, इनके अगेंस्ट में मोहम्मद अय्यूब कासिम अली जो जिनका इंतकाल हो गया, इनके वारस है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अय्यूब, शाहिदा मोहम्मद अय्यूब, अनवरी मोहम्मद अय्यूब, आयशा मोहम्मद अय्यूब, अरफात अंजुम मोहम्मद यूसुफ, नवेद अंजुम मोहम्मद यूसुफ, सिद्रा मोहम्मद यूसुफ, नज़ीर अहमद बुद्धू, अब्दुल रहमान मोहम्मद यूसुफ। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब ये है कि ये केस लोअर कोर्ट मालेगांव से शुरू हुआ, सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट से ये केस हाईकोर्ट के अंदर गया। हाईकोर्ट में ये केस अभी चल रहा है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है, जबकि दो फैसला मोहम्मद अय्यूब के हक में आ चुका है। लेकिन हाईकोर्ट में ये केस जाने की वजह से केस अभी पेंडिंग है, जिसकी लास्ट तारीख थी 27/6/2022 हाईकोर्ट की। अब मेरी मालूमात में ऐसा है कि जो जमीन का मैटर हो वो अगर कोर्ट मैटर हो जाता है, उसके अंदर लीज पेंडेंसी दाखिल हो जाती है, तो उस केस के उतारे को लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये मैटर हाईकोर्ट में है, उतारा बंद है। बंद होने के बाद इस पे कोई, यहां तक के हम वो पुराना उतारा नहीं निकाल सकते, उतारा भी नहीं ले सकते। लेकिन ये उतारा बंद होने के बाद यहां दो फरीक लड़ रहे, इन लोगों को उसकी खबर भी नहीं है। और इसके अंदर दाखिल होते आसिफ शेख रशीद साहब के सबसे छोटे चाचा शेख अकील, जिन्होंने बड़ी होशियारी से और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की मदद से
क्योंकि जब उतारा बंद है तो ये उतारा के ऊपर खरीदी हुई कैसे, जो मामला हाईकोर्ट के अंदर है तो उसकी खरीदी हुई कैसे, सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता। तो 12/12/2022 को अकील शेख रशीद शेख सफी, जैसा कि मैंने बताया जाफरनगर के अंदर उन्होंने बोगस खरीदी करे, सेम वैसे ही मामला इसके अंदर जो है, इन्होंने वो खरीदी बोगस आदमी को खड़े करके वो खरीदी उठा ली, जिसका ये सबूत है। उसके अंदर सबसे पहला नाम है शेख अकील मोहम्मद शफी, आसिफ शेख रशीद के चाचा। दूसरा नाम है शेख रिजवान शेख रशीद, आसिफ शेख रशीद के सबसे छोटे भाई। तीसरा नाम है शेख इब्राहिम शेख जलील, आसिफ शेख रशीद के चचेरे भाई। चौथा नाम है शेख इस्माइल शेख अकील, ये अकील शेख सफी के लड़के हैं। तो ये लोग इसी तरीके से गरीब गुरबाओं के मामलात को केस होने के बावजूद, जिन्होंने कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ है, ये खरीदी बोगस खरीदी हुई है, ऐसे इनके मामलात है एक के बाद। अभी जाफरनगर का जो मामला है उसके बाद ये दूसरा उनका मामला सामने आया। मेरे पास बहुत सारे उनके मामलात है, ये मैं अभी भी जो बता रहा हूँ सबूतों के साथ बता रहा हूँ, कोई दो नंबर यानी कोई बोगस बात नहीं कर रहा हूँ। हाईकोर्ट के अंदर केस चालू होने के बावजूद ये खरीदी कैसे हुई, इसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस भी मुलविस है, रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ लोग इसके अंदर मुलविस है, और इनका एक बहुत करीबी आदमी है स्टैम्प वेंडर, जो इन लोगों को बोगस आदमी के आधार कार्ड बना के देता है, पैन कार्ड बना के देता है। जैसे अन्नू भाई ओरिजिनल है, लेकिन अन्नू भाई की जगह शाहिद भाई को खड़े करके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है अन्नू भाई के नाम पे बना के इनका एक स्टैम्प वेंडर है। मैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उसका नाम भी जाहिर करूंगा और वो भी सबूत और प्रूफ के साथ लेके आऊंगा। तो ये इस तरीके से हरकत पूरे शहर में कहीं जगह हो गई है, ये छोटे छोटे प्लॉट भी नहीं छोड़ रहे। आज इस आदमी का इंतकाल हो गया, मोहम्मद अय्यूब कासिम अली का, इन्होंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल लगा दिए, उसके बाद उनकी औलाद आज केस लड़ रही है, उनकी जमा पूंजी उसमें खर्च हो गई है, लेकिन इन लोगों को किसी चीज का एहसास, किसी का दर्द नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्या ये गरीब नहीं है कि उसके पलाट उनको मालूम भी नहीं? वहां बाकायदा बोर्ड पर लिखा है, उस पलाट के ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा है के खबरदार, सर्वे नंबर 214/1/2 प्लाट नंबर 53, इस प्लाट का केस बंबई हाईकोर्ट सेकंड अपील नंबर 590/95 में जारी है, लिहाजा इस मिल्कियत से ताल्लुक से किसी तरह का सौदा या लेन देन ना करें, वरना कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मार्फत एडवोकेट LC अग्रवाल और वारिस उसके जो है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अय्यूब। लेकिन आप उसके नीचे ये देख रहे हैं कि ये पहले यही लिखा था तो उसको उन्होंने मिटा दिया था, तो अब उन्होंने जब दोबारा लिखे और साइड में लिखा गया कि आप CCTV कैमरे की नजर में है, अभी मैं वहां स्पॉट पर जाकर आया, फिर उन्होंने उस पर कलर मार दिए हुए। तो ये शहर की गरीब आवाम के साथ इस तरीके से ये घराना उनकी जमीनें उनकी मेहनत की पूंजियों को हड़प कर रहा है, इसके ताल्लुक से हम आवाज उठा रहे हैं। और जो पहला मामला मैंने जाफरनगर का जो बोला था यार, उसमें हम 420 का गुनाह दाखिल करेंगे इसका, तो उसके अंदर पहले से ही बबलू पवार रानार भगवान गली नंबर नहीं दिया मालेगांव, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की
लेकिन किसी दबाव की वजह से पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई और वो केस चला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट में 156(3) से उन्होंने ऑर्डर लिए प्राइवेट केस दाखिल करने के लिए, जिसकी ऑर्डर हुई है कि उसमें ऐसा बताया गया है कि मेरे जो फिरियादी ने यह बोला है कि मेरे दादा, मेरे अजूबा प्रताप राव पुंजा राव पवार 21 सितंबर 1971 में मैयत हो गई। जब वो 1971 में उनका इंतकाल हो गया जाफरनगर के अंदर, तो फिर वो पिछले महीने कैसे के वहां आकर उन्होंने खरीदी दे दी है। तो उसी की कड़ी ये दूसरा एपिसोड भी है, तीसरा एपिसोड में भी यही है कि बोगस आदमी खड़े करके खरीदी ले ले रहे हैं। और ऐसे इनके कई मामलात है, अनगिनत मामलात है जो हमारे पास मौजूद हो गए, आ गए। हम धीरे धीरे एक 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 कर आवाम के सामने लेकर आएंगे। वो बोगस आदमी उन्होंने खड़े करके उसी उतारे में का एक नाम लाए और बोगस आदमी खड़े करके उसकी भी खरीदी कर ली। वो आदमी भी बोगस है जिसने खरीदी दे के गया। मैं बता रहा हूं ना कि ऐसा आदमी उनका मौजूद है, स्टाम्प वेंडर जो बोगस आधार कार्ड बना के देता, बोगस पैन कार्ड बना के देता और किसी भी आदमी की जगह किसी को भी खड़े कर देता। ये जमीन आज जो है गांधी मार्केट से पीछे और अली अकबर, गांधी मार्केट से लगकर अली अकबर हॉस्पिटल के पीछे है ये जमीन। ये इसी तरीके से सारे कामकाज कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि कब्रिस्तान के ताल्लुक से कुल जमाती तंजीम और तमाम मिल्ली अदारे मिल्ली तंजीमों के पास गए, रुजू हुए, कब्रिस्तान बनना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगा, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, तुमको शर्म मगर क्यों नहीं आती? ये लगाए भी दीदिया बुझाए भी दीदिया वाला काम करके, इससे पहले भी ईदगाह, जो ईदगाह का मामला आया, सब उठे, उलमाए कराम उठे, तो ये जमीयत में पहुंच कर बोल देते हैं, जाने दो वो जो ठहराव हुआ उसको जाने दो, मैं तुमको बैक डेट में दूसरा ठहराव करके दे देता हूँ। जमीयत को दिलासा दे के खामोश कर दिया गया। उसके बाद अभी ये फिर उनको गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आसिफ शेख रशीद को ये बोलता हूँ, पहले तो 3 एकड़ थी, अब वो बढ़ते जा रही है, वो जमीन बढ़ते जा रही है। तो मैं यहां से बोलता हूँ कि भैया आप बहुत बुद्धिमान हो, जरा और अच्छी से स्टडी कर लो। और तुमने जिस तरीके से छाले बता बता के गैर सियासी अपनी वोट हासिल करे, गैर सियासी प्रोग्राम फेस्टिवल का लगाए और अपनी तकरीरें और अपने ताल्लुक से सवालात करवाए, ये गैर सियासी का ढिंडोरा पीट के जो अभी उलमाए कराम के पास गए हैं, उन लोगों को भी ये दिशा भूल करने के लिए गए। अब इन पे मुसीबत आ रही है तो ये शहर के जिम्मेदारान के पास दौड़ रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि आप अच्छी तरीके से उसके अंदर पूरी मालूमात उलूमात सब ले लो, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना, मेरे पास चौथा एपिसोड तो दूसरा है, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो फिर मैं चौथा एपिसोड जो है सिर्फ कब्रिस्तान के नाम पर, और उसमें इन्होंने क्या काले जाले करे है, इन्होंने उस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर, मैं तो, मेरा तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान का इशू होने के बाद जब मैंने उसके पेपर छानना शुरू किया तो उस पेपरों के अंदर मेरे हाथ में ऐसी चीज लगी है ना कि इनके पूरे मामला वहां आवाम के सामने लेके आऊंगा। तो मेरी अपील है तब अपने कुल जमाती तंजीम से, मिल्ली अदारों से, मिल्ली तंजीमों से, कि आप बिल्कुल उस कब्रिस्तान की हिमायत में आगे आइए और हमें भी बुलाइए, और आसिफ शेख रशीद को भी बोलिए कि आप जाफरनगर का भी मसला हल करिए। जाफरनगर के उलमा, हमारे उलमा काउंसिल से ये गुजारिश है कि ये पहले उनसे ये बोले कि जाफरनगर का मामला भी तुमको हल करना है, जो कि तुमने बोगस खरीदी ले ली है। तो वहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, हर हाल में जिस तरीके से भी। अब ये पहले ही बोल दे रहे कि 2000 रुपया स्क्वेयर फीट की जमीन है, उसको 200 रुपये में देंगे, यानी ये तो जमीन मालक को हमवार कर रहे कि डरा रहे।
2000 स्क्वायर फीट की जमीन 200 रुपये में लेंगे, ये कम से कम इन्होंने यहाँ सियासत नहीं करना चाहिए। मेरा इतना ही बोलना रहेगा उस मामले में कि ये वहाँ भी बहुत ज्यादा सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने और अच्छी से, मैं अगले एपिसोड तक के टाइम दे रहा हूँ उनको, कि उन्होंने और अच्छी से तो वो कर लेना, पेपर छान लेना, कब्रस्तान कब्रस्तान कर रहे ना, तो अब कब्रस्तान भी मैं बैठने वाला है अगली बार। तो कब्रस्तान अभी तक क्यों नहीं लिया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पूरे मामला अगली टाइम इंशाअल्लाह मैं पेपर के साथ बैठूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा यही मकसद था।